लिवडाउन एपिसोड में बेन ने जब पहली बार क्वांटोमिलियंस को देखा था तब उसे तीन मिस्टर स्मूदीज देखने को मिले थे। इसके जवाब में क्वांटोमिलियंस ने कहा था कि वो लोग फिफ्थ डिमेंशनल क्रिएचर थे, तो जो भी थर्ड डिमेंशनल वाला क्रिएचर उन्हें देखेगा तो उनमें उसे उसका फेवरेट चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि रूक को क्वांटोमिलियम में अपने पापा दिखे थे, यानी वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। और माल्ट्रेंट बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से उसने क्वांटोमिलियम में खुद को देखा था। आप लोगों को क्या लगता है, बेंडेन के दूसरे कैरेक्टर्स को क्वांटोमिलियम में क्या दिखेगा? क्वांटोमिलियम में आपको वही चीज दिखता है जो आपका फेवरेट है? इस बात को कंसीडर करते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि बेंटेन के बाकी कैरेक्टर्स को क्वांटोमिलियम में क्या दिखेगा। तो अब ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले गुइन से स्टार्ट करते हैं कि क्वांटोमिलियम में गुइन को क्या दिखेगा। क्योंकि गुइन को मैजिक और स्पेल्स बहुत पसंद है तो उसे क्वांटोमिलियम में अपना मैजिक बुक ही दिखेगा। वैसे उसे केविन भी दिख सकता है, लेकिन उसे अपना मैजिक बुक दिखने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार उसकी मैजिक बुक चोरी हो जाने की वजह से वो केविन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। इन शॉर्ट, गुइन को अपना मैजिक बुक सबसे ज्यादा पसंद है। पर केविन को क्वांटोमिलियम में क्या दिखेगा? ऑब्वियसली उसका कार। केविन दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी कार से करता है, गुइन से भी ज्यादा। वही ग्रैंडपा मैक्स को दिखेंगे उनके एलियन फूड्स। ग्रैंडपा ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दिया है एलियन फूड को कुक करने में और उसे खाने में। ग्रैंडमा वर्डोना, ग्रैंडमा वर्डोना को दिखेगी ग्वेन टेनिसन, क्योंकि ग्वेन टेनिसन ग्रैंडमा वर्डोना का सबसे फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड है। आरजेड को क्वांटोमिलियंस में दिखेंगे पैसे और वोल्केनस को दिखेंगे टेरेनाइट्स। इन दोनों पागलों से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। केंटेन को दिखेगा एक ऑमनीट्रिक्स, क्योंकि केन हमेशा एक हीरो बनना चाहता है एक ऑमनीट्रिक्स वेयरर बनके। आसमोद को उनके क्रिएशन से ही उन्हें देखने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन और भी ज़्यादा चांस है कि उन्हें एक ऑमनीट्रिक्स देखने को मिलेगा जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। अल्बिडो को क्वांटोमिलियंस में दिखेगा एक अल्टीमेट्रिक्स। वैसे ही विल्गस को भी शायद एक ऑमनीट्रिक्स ही देखने को मिलेगा, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अग्रीगोर को देखने को मिलेगा एक बेबी एलियनिक्स, क्योंकि उसका मंजिल वही था जिसको उसने लगभग हासिल कर ही लिया था। बिली विलियंस को देखने को मिलेगा अपना बिलियन टावर। बिली एक एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिलियन टावर में रहता है। सार्जेज को क्वांटोमिलियम में दिखेगा उनका अस्कलन स्वॉर्ड, क्योंकि उनको अस्कलन इतना पसंद था कि उन्होंने अपने लाइफ के एंड तक अस्कलन स्वॉर्ड को बियर किया था। इंकोर्जियन के प्रिंसेस अर्टिया को बेन का वुल्फ्रॉग वाला फॉर्म देखने को मिलेगा। हमने सीरीज में देखा है कि अर्टिया वुल्फ्रॉग को कितना लाइक करती है। कोरोस के प्रिंसेस लूमा को दिखेगा बेन का फोरआर्म्स, क्योंकि जब से बेन के फोरआर्म्स ने लूमा को डिफीट किया है तब से लूमा बेन के फोरआर्म्स को बहुत पसंद करती है। अब बेंजारो की बात कर लेते हैं। बेंजारो जॉम्बी बनने के बाद से अपने नॉर्मल रूप को काफी मिस करता है, तो बेंजारो को क्वांटोमिलियम में उसका ह्यूमन फॉर्म दिखेगा। पेराडोस को दिखेगा उनका क्रोनो नेविगेटर। यून को उसके स्पेसिस के लोग देखने को मिलेंगे जो अब मर चुके हैं। जूली को दिखेगा बेन, नहीं उसे बेन नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा सिप। काइक्रिन को भी बेन नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा ये बॉल, क्योंकि हमने देखा था कि काई के लिए ये बॉल कितना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग बेंटेन से रिलेटेड दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आज का हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।